नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण चरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में 500 पन्नों की कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि यह सब बृजभूषण पर सत्ता की मेहरबानी के कारण हुआ। कांग्रेस ने इस बाबत मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे। मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान बदला गया, वो बदला उस दौर में गया जब आरोपी उन्मुक्त रूप से बाहर घूम रहा था। उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है, लेकिन ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किए क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। तो फैसला अब इस देश को करना है, फैसला न्यायपालिका को करना है, और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में, इस देश के न्यायालयों में अभी न्याय जिंदा है और इन बेटियों को और खासतौर से उस अव्यसक बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दे। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा ही कसूर निकलेगा। यौन शोषण के आरोप में बृजभूषण को क्लीन चिट मिलते ही कांग्रेस अमीर कलशबाज के शेर समझाने लगे। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बहाने पीएम मोदी को निशाना बनाने लगे। पहलवानों के कथित यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही बीजेपी नेताओं के तमाम काले किस्से दोहराने लगे। जिनके साथ फोटो खिंचाते वक्त थकते नहीं थे मोदी जी, जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे। 50 दिन से ऊपर हो गया, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं फूटा। यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने, इनके इकोसिस्टम ने किया, और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संरक्षण देते रहे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार संरक्षण आरोपी को, बलात्कारी को, जो यौन शोषण करता है उसी को देती है। याद है ना कुलदीप सिंह सेंगर, याद है चिन्मयानंद, याद है लखीमपुर का चीरहरण, याद है आपको अंकिता उत्तराखंड की, याद है आपको हाथरस की गुड़िया। हर बार संरक्षण आरोपी को दिया जाता है, हर बार संरक्षण दरिंदे को दिया जाता है। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने 7 पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप में 2 अदालतों में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 6 बालिग महिला पहलवानों की तरफ से दर्ज कराई गई FIR पर दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जबकि नाबालिग पहलवान की FIR की बाबत 500 पन्नों की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसे पॉक्सो को लेकर कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा उसने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज केस हटाने और उसे रद्द करने की भी सिफारिश की है। हमने चार्जशीट किया है, इसके मतलब मैं चार्जशीट के लायक था। जो कैंसिलेशन रिपोर्ट आपने फाइल की है, क्या उसमें आगे प्रोसिक्यूट करने लायक साक्ष्य पुलिस को नहीं मिले हैं, इसलिए हमने चार्जशीट नहीं फाइल। बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट मिलते ही कांग्रेस ने सवाल दागा कि जब पॉक्सो की शिकायत पर तुरंत गिरफ्तारी होती है तो फिर बृजभूषण के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ। पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है, और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस FIR तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विटनेस को टैम्पर करे, किसी भी विक्टिम को डराए, कोई पूछताछ नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली नाबालिग पहलवान ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। FIR में नाबालिग लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि बृजभूषण ने उनकी बेटी को जबरन अपनी ओर खींचा और उसका यौन उत्पीड़न किया। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो की धाराएं दर्ज की थी, लेकिन कुछ दिन बाद यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल दिया। हालांकि कांग्रेस की माने तो पीड़िता को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया, सिस्टम पीड़िता की बजाय आरोपी को संरक्षण देती रही। एक अव्यसक लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है, और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद,
मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। ये देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत ये किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था। क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा इत्मीनान से कहा था 15 तारीख तक रुक जाइए, 15 को देखिएगा। कैसे मालूम था अनुराग ठाकुर जी को, एक बार नहीं कई बार कहा कि 15 को क्या होने वाला है। उन्हें तो जैसे पूर्वानुमान था, या मैं कहूँ पटकथा लिख दी गई थी वही पढ़ दी गई। मैंने अभी तक पूरी चार्जशीट नहीं देखी, जब तक उसे पढ़ ना लिया जाए, उसे कंक्लूजन पे ना पहुँच दिया जाए, तब तक कोई अंतिम प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। पर मेरी प्रारंभिक प्रक्रिया यही है कि अनुराग ठाकुर जी, आपको कैसे मालूम था 15 को क्या होने वाला है। नाबालिग महिला पहलवान की शिकायत में तो ब्रजभूषण को राहत मिल गई है, लेकिन 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें आईपीसी की धारा 354, 354 ए और डी के तहत केस चलेगा। धारा 354 के तहत किसी महिला की मर्यादा और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती का केस चलेगा, जिसमें दोषी साबित होने पर 1 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।